हरे कृष्णा। आज हम एक मेंसुरेशन का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक फिगर है जिसमें ये रीजन का एरिया 37 है, इस रीजन का एरिया 73 है, यहाँ से इसका लंबाई 10 है, यहाँ से इसका लंबाई 14 है, इस रीजन का एरिया पूछ रहा क्या हुआ। चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका को बी मान लेते, एरिया इसका एरिया सी मान लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये आयत आयत है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी होगा। तो अगर इस दोनों को अगर भी कंबाइंड कर दिया जाए तो ये भी रेक्टेंगल ही होगा, ए और बी को, तो ए का एरिया प्लस बी का एरिया बराबर इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा 10, और इसका चौराहे को वाई मान लीजिए, जिसको आप लोग ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में, इसको वाई एज्यूम कर लीजिए, तो हो जाएगा 10 इंटू वाई, और ए का एरिया है 37 प्लस बी का एरिया को बी रहने दीजिए, 10 वाई हो जाएगा। इक्वेशन और फर्स्ट मान लीजिए, सिमिलरली इस दोनों का एरिया का सम बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू वाई, क्योंकि लेंथ हो जाएगा यहाँ से तक 14, ब्रेथ हो जाएगा वाई, तो बी और सी, सी का एरिया दे दिया है 73, बी प्लस 73 इज इक्वल टू 14 वाई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसे घटाइएगा सेकेंड में से फर्स्ट को, वैसे दिखेगा 20 बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 73 में से 37 गया, आपको जो है 36 बचेगा, ये 4y हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान आ गया 9, तो y का मान 9 आ गया, तो हमको जो है दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में चिपकाएंगे y का मान और b का मान आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट में चिपकाते हैं, 37 प्लस b इज इक्वल टू 10 इंटू 9 90, यानी b इज इक्वल टू 53, ये आपका आ गया एरिया, तो b का जो रीजन b जो है इसका एरिया आ जाएगा कितना, 53। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।